नमस्ते, चलिए देखते हैं डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। वैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का प्रॉपर्टी आपके सिलेबस से इस वर्ष के लिए डिलीट कर दिया गया है, लेकिन डेरिवेटिव आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, इसलिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के विषय में, डेरिवेटिव के विषय में आप देख लीजिए कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। कुछ प्रारंभिक फार्मूला है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव का, जिसको आप सबसे पहले देख लीजिए। उसके बाद यहाँ कुछ क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 5.3 की ये क्वेश्चन नंबर 10 है, 12 है और 14 है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे हम इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, उसको हम देखें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि dy/dx साइन इनवर्स x, इसका डेरिवेटिव क्या होता है। इन सब फार्मूला को याद रखना जरूरी है। तो 1/√1 − x², तो ये फार्मूला आपको याद रखना जरूरी है। dy/dx साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/√1 − x²। अगर हम यहाँ कॉस इनवर्स x का डेरिवेटिव करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ सिर्फ माइनस साइन आ जाएगा, ठीक। उसके बाद हम टाइन इनवर्स x का डेरिवेटिव देखते हैं, dy/dx टैन इनवर्स x, तो टैन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होगा, टैन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/√1 + x²। तो ये भी याद रखिए, टैन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/√1 + x², ठीक। और cot इनवर्स x का करेंगे तो सिर्फ यहाँ नेगेटिव हो जाए। उसके बाद sec इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, dy/dx sec इनवर्स x, sec इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है, इसको आप याद रखिए, 1/√x²-1, इससे इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है। और अगर कोसेक इनवर्स x का डेरिवेटिव हमें फाइंड आउट करना है, तो कोसेक इनवर्स x का डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ नेगेटिव कर देंगे, ठीक। तो ये तीन फार्मूला है इनवर्स फंक्शंस का, साइन इनवर्स x, टैन इनवर्स x, sec इनवर्स x। अगर cos इनवर्स x का फाइंड आउट करना है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, cot इनवर्स x का फाइंड आउट करना है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, sec इनवर्स x का फाइंड आउट करना है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 5.1 में जो क्वेश्चन नंबर 10, 12 और 14 है, इसका हम डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करें। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, इसका हम डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट। हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 का हम डेरिवेटिव देखते हैं कैसे फाइंड आउट। यहाँ क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है वाई इक्वल टू साइन इनवर्स 3x − x³ − x³ upon 1 − 3x². और कुछ जो साइन इनवर्स x का है वो कंडीशन दिया हुआ है, वो कंडीशन 0 < x > 1, ये कुछ कंडीशंस है। तो यहाँ कंडीशन लिखने की ज़रूरत नहीं, आपकी बुक में दिया हुआ है। तो इसका डेरिवेटिव हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, आप यहाँ देखें। जनरली अगर हम देखें कि यहाँ इसको हम सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, और जनरली हम यहाँ देखें तो ए एक्स का
अगर हम कॉस थीटा या साइन थीटा ऐसा वैल्यू कुछ लें तो ये देखें जनरली एक फार्मूला है, ठीक। तो ये कौन सा फार्मूला है उसको हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पुट करें, इसके स्थान पर अगर हम वैल्यू पुट करें, यहाँ अगर हम एक्स के स्थान पर पुट करें साइन थीटा, एक्स के स्थान पर साइन थीटा पुट करें, ठीक। तो एक्स के स्थान पर अगर हम साइन थीटा पुट करें तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ इसमें देखते हैं। सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। तो सिंप्लीफाई करना बहुत आसान है, इसमें ट्रिग्नोमेट्री इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूला का यूज करना बहुत ज़्यादा आवश्यक नहीं है कि हमें ट्रिग्नोमेट्री के इन्वर्स की सभी प्रॉपर्टी मालूम हो तभी हम इसको कर सकते हैं। इसको हम सिंपली कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला हमें मालूम है कि इसको हम कर सकते हैं। साइन इन्वर्स एक्स, यहाँ थ्री साइन थीटा रखें, थ्री साइन थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा अपॉन वन माइनस थ्री साइन स्क्वायर थीटा। अब आप ट्रिग्नोमेट्री का अगर फार्मूला देखेंगे तो एक फार्मूला आपको मालूम है, ये किसका फार्मूला है आप अच्छी तरह से ट्रिग्नोमेट्री में 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, ये साइन थ्री थीटा का फार्मूला है। तो इसके स्थान पर हम क्या लिखते हैं, साइन थ्री थीटा लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा साइन इनवर्स साइन थ्री थीटा, ये साइन इनवर्स साइन थ्री थीटा हो जाएगा। अब जानते हैं साइन इनवर्स साइन एक्स, साइन इनवर्स साइन एक्स या साइन इनवर्स साइन थीटा क्या होता है, थीटा। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ हमारा क्या हो जाएगा y इक्वल टू थ्री थी। अब इसका हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। तो इसका हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, तो dy d थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, dy d थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, थ्री हो जाएगा। या इसको ऐसे देख लीजिए, अब यहाँ आप जब सिंप्लीफाई कर लीजिए तो यहाँ थीटा, थीटा का वैल्यू यहाँ से, तो दिस इम्प्लाइज दैट ई, यहाँ थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। अब यहाँ थीटा के स्थान पर हम वैल्यू रख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स, तो यहाँ हम वैल्यू रखते हैं थ्री साइन इनवर्स एक्स। अब ये क्या हो गया हमारा वाई इक्वल टू थ्री साइन इनवर्स एक्स। अब हम dy वाई बाई डी टा फाइंड आउट कर सकते हैं, तो dy वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स यहाँ फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा, थ्री अपॉन साइन इनवर्स एक्स का भी फार्मूला देखें हम, अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो dy वाई बाई डी ठीक भी था हमारा क्या हो गया डेरिवेटिव, थ्री अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। और ऐसे बिना सिंप्लीफाई के अगर इसको करने की कोशिश करेंगे तो काफ़ी दिक्कत होगी, काफ़ी मुश्किल होगी। इसलिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में सबसे पहले आप सिंप्लीफाई करिए और उसके बाद फिर आप डेरिवेटिव फाइंड आउट, ठीक। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, ठीक, ये तो समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 12। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स। क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं, ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। अब देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 12 को कैसे करें। तो क्वेश्चन नंबर 12 को करने के लिए हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 को फिर वही x के स्थान पर देखते हैं कि कौन सा वैल्यू हम रखेंगे कि यहाँ साइन थीटा आ जाए, यहाँ साइन इनवर्स है यहाँ साइन थीटा, तो कोई ऐसा फार्मूला हमें नहीं पता है कि यहाँ साइन थीटा आ जाए। हाँ एक फार्मूला हमें पता है कि यहाँ हम जानते हैं
कि ए किसका फार्मूला है, कॉस 2 थीटा का। ये कॉस 2 थीटा का फार्मूला है अगर एक्स के स्थान पर हम टाइम थीटा रखें। तो यहाँ हम पुट करते हैं वैल्यू एक्स इक्वल टू टाइम थीटा, एक्स इक्वल टू टाइम थीटा, तो यहाँ हो जाएगा थीटा इक्वल टू टाइम इनवर्स एक्स, थीटा इक्वल टू टाइम इनवर्स एक्स। तो अब इसको हम लिख सकते हैं वाई इक्वल टू साइन इनवर्स वन माइनस टाइन स्क्वायर थीटा वन प्लस टाइन स्क्वायर थीटा। ठीक, अब ये वन माइनस टाइन स्क्वायर थीटा वन प्लस टाइन स्क्वायर थीटा किसका फार्मूला है? ये इसको हम यहाँ कर देते हैं वाई इक्वल टू साइन इनवर्स टू एक्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 14 है, इसको हम यहाँ सटा देते हैं। ठीक, अब ए हो गया हमारा, ये तो हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 14, इसको अभी बाद में करें। ए हमारा हो गया वाई इक्वल टू साइन इनवर्स वन माइनस टाइन स्क्वायर थीटा वन प्लस टाइन स्क्वायर। ए फार्मूला है कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा इक्वल टू होता है ए, आप पढ़ चुके हैं ए कॉस 2 थीटा का एक फार्मूला होता है वन माइनस टाइन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस टाइन स्क्वायर थीटा। ये आप क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। तो इसके स्थान पर हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं? कॉस 2 थीटा, तो साइन इनवर्स कॉस। अब इसको हमें साइन में चेंज करना है, तो कॉस 2 थीटा को साइन में कैसे चेंज करेंगे? आप जानते हैं कैसे चेंज करेंगे। इसको हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स और इसको हम लिख सकते हैं साइन पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। ये लिख सकते, तो साइन इनवर्स साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, ये क्या हो जाएगा? सर पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। अब 2 थीटा का वैल्यू यहाँ से रख सकते हैं, थीटा इक्वल टू टैन इनवर्स एक्स, तो क्या हो जाएगा? पाई बाई 2 माइनस 2 टैन इनवर्स एक्स वाई इक्वल टू दिस। अब हम इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट, तो यहाँ हम फाइंड आउट करेंगे dy बाई डी एक्स। पाई बाई 2, पाई बाई 2 कॉन्स्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और इसका डेरिवेटिव माइनस 2 और टैन इनवर्स x का 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो dy बाई डी एक्स हो गया माइनस 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से इसका हम डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं, पहले सिंप्लीफाई करेंगे फिर डेरिवेटिव करेंगे। ठीक, तो समझ में आ गया ना? ठीक, अब हम क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14, एक्सरसाइज 5.3, वाई इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स लाइज बिटवीन 0 एंड 1, दिस वन इज द कंडीशन। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 14। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखें, आप यहाँ देखिए, यहाँ हम ऐसा वैल्यू रखें कि ये साइन इनवर्स है, साइन के फॉर्म में आ जाए। तो इसको देखने के लिए सबसे पहले यहाँ स्क्वायर रूट है, तब ऐसा कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वैल्यू पुट करें जिससे कि स्क्वायर रूट से हम बाहर आ जाएं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्व करने का एक तरीका है, जब हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपको पढ़ाए थे या वीडियो बनाए थे तो उसमें अच्छी तरह से मैं इसको डिस्कस किया था।
इसको बाहर आने के लिए हम अगर x का वैल्यू cos थीटा रखें, पुट x इक्वल टू cos थीटा, तो दिस इंप्लाइड दैट व्हाट थीटा इक्वल टू cos इनवर्स x। ठीक, अब वैल्यू यहाँ रखते हैं y इक्वल टू sin इनवर्स, यहाँ हो जाएगा क्या 2 cos थीटा, और यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा, तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या होगा sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा रूट के बाहर आ गया क्या होगा sin थीटा, तो ये क्या हो गया 2 cos थीटा sin थीटा। अब 2 sin थीटा cos थीटा, तो 2 sin थीटा cos थीटा का फार्मूला क्या होता है sin 2 थीटा, तो ये हमारा हो जाएगा sin इनवर्स sin 2 थीटा, तो sin 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है sin 2 थीटा cos थीटा, तो y इक्वल टू दिस, तो ये हो गया हमारा y इक्वल टू 2 थीटा। अब थीटा का वैल्यू हम यहाँ रखेंगे 2 cos इनवर्स x। अब इसका हम डेरिवेटिव करते हैं dy by dx, और cos इनवर्स का डेरिवेटिव माइनस 2 हो जाएगा, cos का माइनस होता है, बाकी सेम sin इनवर्स x का जो डेरिवेटिव होता है तो 1 माइनस x स्क्वायर। तो इस तरह से ये आंसर हो गया हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। तो डेरिवेशन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इजी है, आप इसको सिंप्लीफाई करके डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी।